हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस को कवर करने जा रहे हैं और आज हम लोग इस वीडियो में इन्फोसिस के फंडामेंटल्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 15 जून को ही एक वीडियो 15 जून को ही एक एनालिटिकल वीडियो अपलोड किया था, जिसके लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। उस समय हम लोगों ने इसके पूरे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया था और ये स्टॉक उस समय तकरीबन इन स्तरों पर था। यहाँ पर हम लोगों ने जब एनालाइज किया था तो ये ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी और हम लोगों ने पाया था कि इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस स्टॉक में ब्रेकआउट आया और अभी ये स्टॉक जो है वीकली बेसिस पर यहाँ पर कंसोलिडेशन में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इन्फोसिस ने अपने रिजल्ट के डेट की अनाउंसमेंट कर दी है। इसके क्वार्टर वन के नतीजे 14 जुलाई को आने वाले हैं और हम लोग अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्फोसिस क्या इन स्तरों से भी ऊपर निकल सकता है या ये नीचे गिर जाएगा। इसकी चर्चा हम लोग इस टेक्निकल एनालिसिस के जरिए करने जा रहे हैं। तो ये दोस्तों चार्ट जो देखने को मिल रहा है, ये वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट पर जो स्थिति बन रही है इन्फोसिस की, ये 200 डेज EMA, 100 डेज EMA, 50 डेज EMA से काफ़ी ऊपर वीकली बेसिस पर ट्रेड कर रहा है। तो वीकली बेसिस पर इसके जो चार्ट देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। अगर मंथली बेसिस पर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मंथली बेसिस पर भी ये स्टॉक जो है ब्रेकआउट दे चुका है और रैली मोड में है। फिलहाल ये कंसोलिडेशन करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को ट्रेंड इसके बुलिश देखने को मिल रहे हैं मंथली बेसिस पर भी। अब हम लोग आते हैं डेली बेसिस पर कि डेली बेसिस पर क्या स्थिति बन रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कि इसने जब ब्रेकआउट दिया तकरीबन 1461 के लेवल से, तो ये अपना हाई बनाया। ये देखिए, लाइफ हाई बनाया तकरीबन 1600 के आसपास जाकर के। ये अब क्या हो रहा है, इसके चार्ट को हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं। ये देखिए, छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं और यहाँ पर जाकर के ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये अपने रिजल्ट अच्छे आने का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, हम लोग ये कैसे बोल सकते हैं कि रिजल्ट इसके अच्छे आएंगे या खराब आएंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने जब पुराने वीडियो में एनालिसिस किया था तो हम लोगों ने पाया था कि इसके जो क्वार्टर वन के नतीजे आएंगे वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ही अच्छे रिजल्ट आने का इंतजार कर रहा है। तो जब भी इन्फोसिस में रिजल्ट की घोषणा होगी तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि इसमें एक फ्रेश रैली हम लोगों को देखने को मिल सकता है, ऐसा हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। अब रही बात दोस्तों इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट इन स्तरों पर किया जा सकता है कि नहीं। तो इन्फोसिस, TCS, ये सब ऐसे शेयर हैं दोस्तों कि आप किसी भी लेवल पर इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और लंबे अवधि तक बने रहेंगे तो ये स्टॉक आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। हाँ, बहुत इसमें आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 10 से 15% का रिटर्न इन्फोसिस TCS जैसे शेयर आराम से दे देते हैं अपने निवेशकों को, और वो भी बिना टेंशन के। तो इन स्तरों पर भी हम लोग इन्फोसिस में खरीदारी करके चल सकते हैं। अब जब हम लोगों ने अनुमान लगा के ही रखा है कि इसके नतीजे अच्छे आएंगे, और आए भी क्यों नहीं, अभी आईटी सेक्टर काफ़ी बूम में है, इनके ऑर्डर बुक काफ़ी तगड़े देखने को मिल रहे हैं, छोटी से छोटी आईटी कंपनियां भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनके ऑर्डर बुक काफ़ी रोबस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो दोस्तों इन्फोसिस है, तो इसके रिजल्ट खराब हो ही नहीं सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों लेवल की, कि आखिर इसमें अगर रैली आती है तो ये स्टॉक किस स्तर तक जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करके रखे हैं। तो इमीडिएट जो हम लोगों को रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा इस स्टॉक में, वो तकरीबन 1633 पर देखने को मिलेगा। और जब इसके नतीजे अच्छे आएंगे दोस्तों,
तो ये इस लेवल को तोड़ करके ऊपर निकलेगा, और जो टारगेट देखने को मिल रहा है इंफोसिस के शेयर में वो तकरीबन 1800 का देखने को मिल रहा है। तो आप ये दो लेवल दोस्तों नोट डाउन कर लें, एक 1633 का और दूसरा 1800 का। तो इस स्टॉक में यानी कि इंफोसिस का शेयर आने वाले दिनों में हम लोगों को 1800 के लेवल पर जाता हुआ अवश्य देखने को मिलेगा, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपकी भी राय इंफोसिस को लेकर कुछ है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखें, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।